इस तरह का सेटअप भाई दिल्ली में देखने को नहीं मिलता। हर किसी के बस की नहीं है इसको बनाना। दिल्ली एनसीआर का पहला सेटअप है। हम महंगा पिज्जा बेचते हैं, हम खुद नहीं कहते कि भाई हमारा सस्ता पिज्जा है। हीटिंग तो इतनी होती है मैम कि नॉर्मल बंदा इसके सामने खड़ा नहीं हो पाए, पसीना छोड़ देते हैं लोग। सबसे आसान चीज है पापा के दम पे जीना, बाप का पैसा खर्च करना। सबसे मुश्किल चीज वो है अपने दम पे खड़ा होना। कुछ अपने दम पे करो, उसके बाद में सारी बातों को बोलो। भारत के लोगों को ना कुछ अलग करने की हुड़क होती है, एक कीड़ा होता है अलग करने का। टेस्ट देने के लिए कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। जब तक घिसेगा नहीं, जब तक चमकेगा नहीं। मैं 2 लाख रुपए में, मैं 3 लाख रुपए में नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अब अपना ही काम करना है बस। ये लोग इज्जत करे, फेस से पहचाने, ये पिज्जा खिलाता है बस। तो भाई ये गुफा जो बना रखी है आपने, ये जब लेके आते हो काट वगैरह खराब नहीं होती, टूटती नहीं है? मैम एक्चुअली क्या है ना कि हम इसका 2 या 3 दिन में मेंटेनेंस करते रहते हैं, इसको जोड़ते रहते हैं, टूटता नहीं है ये। तो भाई ये गुफा सी क्या बना रखी है यहाँ पे? ये मैम वुड फायर पिज्जा तंदूर, हमारा ये दूसरा सेटअप है। हमारा एक सेक्टर 76 में लगता है, ये हमारा दूसरा सेटअप है। ये तो बिल्कुल देसी चूल्हा है, तो गाँव में देखने को मिलता भाई, ये तो शहर है। एक्चुअली क्या है, हम गांव की चीजों को शहरों में लेके आना चाह रहे हैं। आजकल लोग पिछले जमाने में ज्यादा उतर रहे हैं कि लोगों को बढ़िया और अच्छा खाने के लिए मिले, और इससे नुकसान नहीं होता बिल्कुल भी। जो हमारा वैसा वाला होता है, गैस वाला जो होता है, उसमें नुकसान होते हैं काफी, इसमें नुकसान नहीं हो पाते बिल्कुल। इस तरह के सेटअप में जहाँ पे यार बगल में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगातार खड़ा होना, इस पिज्जा को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? हीटिंग तो इतनी होती है मैम कि नॉर्मल बंदा इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अब मेरे आपने देखा ही होगा, 2 मिनट खड़े होने में हालत खराब हो जाती है, पसीना छोड़ देते हैं लोग। लेकिन दूर दूर से लोग आते खाने के लिए पिज्जा, तो दुख होता है हमें पिज्जा नहीं मिलने का। मैम हम ये खुद प्रिपेयर करते हैं, देखो डो, ये हमारा हैंडमेड डो है, एकदम स्पंज हो रखा है, देखिए रूई की तरह स्पंज हो रखा है, देखो जी। मैम इसको बनाने की भी टेक्निक है, ये मैक्सिमम 6 से 7 घंटे फर्मेंट होने के लिए रखा जाता है, जब ये स्पंजी हो पाता है और पिज्जा लफलफी हो पाता है। मैम एक्स्ट्रा वर्जन तो हम ऑलिव ऑयल लगाते हैं जीवों का, जिससे पिज्जा जूसी होती है भाई। ये तो घर पे भी इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग एक्स्ट्रा वर्जन घर पे भी इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम यहाँ लगाते हैं और खूब बढ़िया डाल के देते हैं। ऐसा नहीं कि कंजूसी करते हैं डालने में, बढ़िया लगा के देते हैं एकदम। ये हमारी ऐसा स्वीट कॉर्न्स वगैरह हो गई, ये हम ऐसा नहीं है कि बाजार से खरीद लेते हैं, कोई भी चीज ऐसी यूज नहीं करते जो नुकसान करे। लोग अट्रैक्ट होते हैं देख के, ये कहते हैं कि भाई आप क्या लिया है, इटली का सेटअप यहाँ लिया है, और आप तो बड़े रेस्टोरेंट में से उतार लाए सेटअप, ऐसा कर करके लोग बोलते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं मतलब देख कर। तो मतलब आप गाँव की चीज को शहर में लेके आ गए, या तो गाँव में मिलेगा या फिर 5-स्टार होटल में मिलेगा? मैम आपको 5-स्टार होटलों में ही मिलेगा, गाँव में तो खैर चूल्हे पर रोटी वगैरह मिल सकती है आपको, पिज्जा आपको नहीं मिल पाएगा 5-स्टार होटलों में और काफी अच्छे रेस्टोरेंटों में मिलेगा। आप एक चीज तो मुझे देख के समझ गई कि भाई आप बंदे बिल्कुल देसी हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल अपना देसी बना है, देसी जीते हैं, अपना सारी चीज अपने ट्रेडिशनल लगाते हैं बिल्कुल घर से भी। हमने सोचा कि लोगों को सस्ता खिलाने के लिए, बढ़िया खिलाने के लिए वुड फायर पिज्जा खिलवाया जाए कि कैसा लगता है वुड फायर पिज्जा, तो सस्ता करके इसलिए हमने बेचा है। मुझे बताओ वहाँ पे 1000-2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आप कितने का खिला रहे हो? यहाँ पे भी आप 500-700 रुपए तो लेते हो? नहीं, बहुत सस्ता खिला रहे हैं, 150 रुपए से स्टार्टिंग करते हैं और 400 पे खत्म कर देते हैं, बहुत सस्ता खिलवाते हैं हम यहाँ पे। तो भाई मुझे बताइए ये क्या मैदा रहता है जो आपने डाला? जी मैम ये वो होता है मक्के का आटा। पिज्जा खाने का शौक था या शुरू से ही बनाने का शौक था? मैम बनाने का शौक था, और यही मन करता है, मैं आगे तक बनाता ही रहूं सारी चीजें। इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स आपके पास आए, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि आपके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आया। मैम एटीट्यूड उसके अंदर आता है ना, जो लोग एकदम नए नए या तो पैसा देख लेते हैं या नए नए कुछ काम करने लग जाते हैं और वो एक साथ वायरल हो जाते हैं। ये हमारी बारबेक्यू सॉस है पिज्जा की, ये हमारी पिज्जा सॉस है, ये हमारी खुद की होममेड है, ये हमारी सॉस लग गई। ये तो लोगों के खामखा की बात है कि हम सीक्रेट मसाला लगाते हैं, भ्रम लोगों का भ्रम फैलाने वाली चीज है कि सीक्रेट मसाला है। मोज़रेला मैंने देखा आपने क्वांटिटी बहुत सारी डाली है। पैसे भी तो लेते हैं मैम इसी हिसाब से, क्योंकि ये 350 रुपए का पिज्जा है हमारा। वेजीज में मैं देख रही हूँ कि आप कोई कंजूसी नहीं कर रहे हो। वेजीज में कोई कंजूसी नहीं है मैम, वेजीज के तो पैसे देते हैं, 3 कैप्सिकम हो जाती है मैम। अब आएगी हमारे यहाँ पे रेड पेपरिका, ये एक पिज्जा के अंदर यूनिक टेस्ट डालती है। एक एलिपेनो होता है हमारा, एक एलिपेनो भी इसी के अंदर जाता है। ये आ गया मैम मोज़रेला चीज हमारा, ऊपर से दोबारा से डबल लेयर। भाई आपको बहुत सारे लोग लिखते हैं कि तो कैमरा देख के डाल रहे हैं। मैम लोगों का क्या है, यहाँ आके पता चले, लोग बातचीत करें हमसे और उसके बाद खाएं, जब उन्हें पता चलेगा कि हम कैसा बनाते हैं। दूर के ढोल तो सुहाने ही लगते हैं, पास आके पता चले। ये भैया बना रहे हैं हम गार्लिक ब्रेड, वेज गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं हम अब। ये हमारी इसी डोगी जाती है गार्लिक ब्रेड, ये बेलन से बेल के बनाते हैं इसे, इतना बड़ा बेलन भाई, इसी बेलन से बेली जाती है गार्लिक ब्रेड। बहुत सारी चीजें बनती है भैया, ज्यादातर बेकरियों में यही बेलन काम आता है। ये हमारी चिल्ली गार्लिक सॉस है, ये हमारी थोड़ी सी पिज्जा सॉस हो गई, हमारा गार्लिक वगैरह सब इसी में मिक्स होता है सॉस में गार्लिक ब्रेड में। ये हमारा गार्लिक पाउडर हो गया, अब इसके अंदर आएगी चीज, चीज और वेज दोनों होता है इसके अंदर, भर भर के चीज जाती है। ये हमारी अनियन आ गई, ये कैप्सिकम आ गई। भैया सेवा भी करनी है, खाना कमाना भी है, भर भर के चीज इसलिए जाती है भैया, जब तक टेस्ट नहीं बनेगा जब तक कस्टमर नहीं आएगा। हमारी जो मेन रेसिपी है वो यही है, खुद की हमारी सॉस, जो हमारी सॉस एक बार खा लेगा उसको पता चल जाएगी हमारे क्या बनाते हैं। भैया हमारी मेन USP है टेस्ट, लोगों को टेस्ट अच्छा लगेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना बेकार चीज तो दुनिया भी खिला रही है।
सब चीज निर्भर टेस्ट पे करती है, अगर टेस्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा। ये हमारी गार्लिक ब्रेड फोल्ड हो गई है, इसकी फिनिशिंग देख लो आप, ऐसी होती है हमारी गार्लिक ब्रेड। ये हमारा पिज्जा पहुंच गया अंदर बेक होने के लिए। मुझे बताओ इसे बनने में कितना टाइम लगेगा? मैम 1.5 से 2 मिनट लगेंगे सिर्फ बनने में। तो मतलब बीच बीच में इसे घुमाना पड़ता है प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, 1-1.5 मिनट के अंदर पिज्जा बाहर निकल जाता है, वहाँ भी 1-1.5 मिनट लगती है, यहाँ भी 3 से 4 मिनट के अंदर पिज्जा आपके हाथ में मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास भीड़ कितनी। ये मैम हमारा आ गया एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। पिज्जा जूसी होता है, खाने का फ्लेवर भी अलग बढ़ जाता है। हमारे 6 स्लाइस ही होते हैं पिज्जा के अंदर, इससे ऊपर हम स्लाइस देते नहीं, और इसमें ना बड़ा पिज्जा सिकता नहीं यार। इस तरह का पिज्जा गर्मा गर्म मैम शायद ही स्ट्रीट फूड पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, दिल्ली NCR में कहीं भी नहीं मिलेगा। दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, डाउट हो रहा है मुझे। और 200 रुपए भाई मैं तो नहीं देने वाली, 200 रुपए अगर मैम खाने के बाद आप ना इसके 500 रुपए भी दे जाओगे हमें। खाने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो इसका क्रिस्पीनेस है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। 4 से 6 स्लाइसेस होते हैं ताकि लोगों को खाने में आसानी हो। भाई मैंने ना हर तरह की गार्लिक ब्रेड खाई है, लेकिन मैंने कभी भी वुड फायर वाली गार्लिक ब्रेड नहीं खाई है। अब आपको अपने आप पता चल जाएगी मैम वुड फायर का आखिर टेस्ट होता कैसे है। आप और पिज्जाओं को खाने के लिए सोचोगे 10 बार हमारा खाने के बाद। मैंने पिज्जा बहुत तरह के ट्राई करे, लेकिन इस तरह का पिज्जा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैंने यहाँ पे बनवाया पिज्जा और गार्लिक ब्रेड। यार मुझे ना जल्दी से बता दो, डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड के अलावा आपने और कौन कौन सी गार्लिक ब्रेड ट्राई करी है? मैंने यहाँ पे वुड फायर वाली जो गार्लिक ब्रेड है वो ऑर्डर करी है, और इसके अंदर का ये देख सकते हो भाई कितना चीजी चीजी आपको मिलेगा। पहले पिज्जा को देखा जाए, अगर आप भी मेरी तरह बड़े वाले पिज्जा लवर हो ना, तो मेरे कहने पे इस तरह का पिज्जा जरूर ट्राई करना। तो सीरियसली अगर बात टेस्ट की करें ना, एक नंबर टेस्ट है, मुझे खा के बिल्कुल मजा आ गया। अगर आप भी मेरी तरह पिज्जा लवर हो ना, तो आप भी सेक्टर 120 में आके ये पिज्जा जरूर ट्राई कर सकते हो। सेकंड है गार्लिक ब्रेड, जो कि मैंने आज तक वुड फायर वाली ट्राई नहीं करी। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये कैसे होने वाली है। तो भाई देखने में तो बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है, तो जल्दी से इसको टेस्ट करा जाए। इसकी आउटर लेयर टोटल क्रिस्पी, और अंदर जो है ना वो लिक्विड चीज विद वेजिटेबल्स है, मतलब अंदर है चीजी धमाका और बाहर है एकदम क्रिस्पी लेयर। मुझे कॉम्बिनेशन एकदम मजेदार लगा। 200 रुपए का है यार, आप इसके लिए 400 रुपए खर्च कर सकते हो। हमारा टाइमिंग है 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक, और हमारा जो एड्रेस है नोएडा सेक्टर 120 द मिलेनियम करके स्कूल है, उसके जस्ट सामने हम लगाते हैं। मुझे टोटल वर्थ इट लगी। मैं यहाँ पे इस दोनों को खाती हूँ अकेले, किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, साथ रहिए, और अगर कुछ रहना है तो भाई मेरी तरफ पिज्जा खाते रहिए।